कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुदान बढ़ाने को लेकर योगी सरकार के फैसले की सुषमा स्वराज ने तारीफ की है और इस वजह से सबसे ज्यादा आवेदन यूपी से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मिले। विदेश मंत्रालय को जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो 2016 की तुलना में 1800 ज्यादा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह आंकड़ा साझा किया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कंप्यूटरकृत ड्रॉ के जरिए तीर्थयात्रियों का चयन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। तो एक और संयोग बना कि मेरे पहले विदेशी अतिथि जिनको मैंने यहाँ आमंत्रित किया वो चीन के विदेश मंत्री वांगी थे, तो उनसे मैंने ये अनुरोध किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमारे यहाँ बेहद महत्व है और यात्रा दुर्गम होने के कारण हमारे बुजुर्ग मन महसूस के रह जाते हैं, यात्रा में जा नहीं पाते, तो यदि आप नाथुला पास से हमें रास्ता दे दें तो हम सड़क मार्ग से उनको कार के द्वारा, मोटर के द्वारा, जीप के द्वारा ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मुझे कहा कि एक बार मुझे वापस जाने दीजिए, मैं तुरंत आपको इसके बारे में बताऊँगा। और मुझे खुशी है कि चंद दिनों बाद ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमने आपका वो अनुरोध स्वीकार कर लिया और हम नाथुला पास से आपका मार्ग खोल रहे हैं। तो मैंने पहली बारी जब इस कार्यक्रम को संबोधित किया तो ये कहा था कि अगले वर्ष से हम लोग अपने बुजुर्गों को सड़क मार्ग से ले जाएंगे और मुझे खुशी है कि वो वचन हमने पूरा किया और अब हमारे बुजुर्ग सड़क मार्ग से और महिलाएँ भी जो इस दुर्गम यात्रा में लिपू लेख से नहीं जा सकती थी उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। एक मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगी दो लोगों का, एक मांगेराम जी का जो धर्म यात्रा संघ से संबंधित हैं और एक तरुण विजय जी का जिन्होंने इस यात्रा को बहुत प्रचारित किया और उसका परिणाम हमारे सामने आया कि आवेदकों की संख्या 1400 बढ़ गई। पिछली बार हमारे यहाँ आवेदक 2600 थे, इस बार 4000 से ज़्यादा आवेदन हमारे पास आए हैं। और पिछली बार हमारी सीटें ज़्यादा होती थी, यहाँ तक कि हमारी प्रतीक्षा सूची भी पूरी हो जाती थी और तो भी सीटें कुछ खाली रह जाती थी। शायद ये पहला वर्ष ऐसा होगा कि हमारी सारी सीटें भर जाएंगी और हो सकता है कि कुछ श्रद्धालु रह जाएं जिनको हम लोग अगले वर्ष ले जा सकेंगे। आज जैसा कि अभी कहा प्रदीप जी ने कि एक सतत प्रक्रिया हमारे मन में सुधार की रहती है और उसका सबसे बड़ा माध्यम है आपके अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करना। हम हर यात्री से कहते हैं कि आप हमें अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि क्या कठिनाइयां आई और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। पिछली बार हमको एक अनुभव आया जिसमें कई लोगों ने ये लिखा कि आप एक जत्थे में एक परिवार के दो लोगों की को अनुमति देते हैं, अगर दंपति दोनों बूढ़े हैं, पति पत्नी जा रहे हैं और उनकी उम्र बड़ी है तो आमतौर पर उनके बच्चे ये कह देते हैं कि आपकी कोई देखभाल करने वाला तो है नहीं, हम आपको कैसे भेज दें। ये एक बड़ी बाधा वृद्ध दंपतियों के लिए आती थी। तो एक ये सुझाव आया कि अगर आप दो की जगह संख्या एक जत्थे में एक परिवार की चार कर दें कि दो वो पति पत्नी चले जाएं, उनके साथ वो बेटा बहू चले जाएं या अपने किसी और रिश्तेदार को ले जाएं, तो दो की जगह चार करने पे वो उन बुजुर्गों की संख्या और बढ़ जाएगी और बच्चों के मन में जो ये आशंका रहती है कि हम आपको अकेले कैसे भेज दें वो भी समाप्त हो जाएगी। ये सुझाव हमें भा गया और इस बार से हमने निर्णय किया है कि एक जत्थे में एक परिवार के चार लोगों को हम एक साथ जाने देंगे बजाय दो लोगों के। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी यात्रा से लौटने के बाद हमें ज़रूर अपने अनुभव लिखिए, बल्कि मैं तो चाहती हूँ इस तरह की यात्रा करने वाले रोज़ अपनी डायरी लिखें। यात्रा का रोमांचक अनुभव जो होगा, कोई कठिनाइयाँ हैं तो उनके बारे में आप लिखें और बाद में उस अनुभव को हमारे साथ साझा करें, हमें लिखकर भेजें कि कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है, या केवल कठिनाई भेज दें, हम निकालेंगे रास्ता उसका। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत कम चीज़ें हैं विदेश मंत्रालय में ऐसी जो सीधे नागरिकों से राबता रखती हैं। एक हमारे पासपोर्ट है जो सीधे जाता है, पहले हज भी था,
अब हज तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को चला गया है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है, या फिर विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये यात्रा सुगम से सुगम होती जाए, बेहतर से बेहतर होती जाए, इसकी ओर हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं और जिसमें आपके अनुभव हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। मैं मांगेराम जी और तरुण विजय जी के साथ साथ कुछ राज्य सरकारों का भी आभार प्रकट करना चाहूँगी। पहली बार जिन्होंने विज्ञापन देकर के इस यात्रा को प्रचारित किया, उसमें विशेष तौर पे यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र जिन्होंने विज्ञापन दिए, और योगी जी के प्रति तो मैं और आभारी हूँ। उन्होंने पहली घोषणा ये की कि 50,000 का जो अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया, और इसीलिए इस समय जो आवेदकों की संख्या बढ़ी है उसमें यूपी के काफ़ी से ज़्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके लिए अपने आप में काफ़ी बड़ा ये प्रोत्साहन की बात है कि 1,00,000 रुपया सरकार देगी, तो कुल मिलाकर के जितना खर्चा आता है उसका बोझ नागरिक पर कम हो जाता है। और चूंकि आवेदकों की संख्या बढ़ी तो हमने नाथुला पास से जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाई है। इस बार एक जत्था बढ़ाया, हमारे दो जत्थे जो जाते हैं, एक लिपुलेक का जत्था, उसमें 60 लोग होते हैं, 59 यात्री एक अधिकारी, और जो नाथुला पास से जाते हैं वो 50 का जत्था होता है, 49 लोग और एक अधिकारी। तो इस बार एक जत्था बढ़ा दिया, यानी 49 यात्री और बढ़ा दिए, तो जो सीटें हमारी थी अब हमें इतना आत्मविश्वास है कि वो खाली नहीं जाएंगी, बल्कि उनको बढ़ा दें तो भी वो पूरी हो जाएंगी। तो इस बार हमने 49 और ज़्यादा बढ़ाई हैं, इस बार हम 1454 लोग लेकर के जाएंगे, जिनका ड्रॉ अभी आपके सामने निकलेगा। हम बहुत पारदर्शिता से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, इसीलिए हम आप ही से बोलेंगे कि कोई भी नंबर आप बोलिए और उसी का बटन हम लोग दबाएंगे, ये लोग उसको टाइप करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर नाम देगा। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपने श्रद्धा अर्पित करती हुई आप सबके प्रति, जो श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हुई, भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ रहे, और आप वहाँ के पर्यावरण को देखते हुए, उसका सम्मान करते हुए, अपने देश की प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्योंकि आप देश के राजदूत बनकर वहाँ जा रहे हैं, इसलिए कोई भी काम हमसे ऐसा ना हो पाए जिससे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए इस यात्रा का आनंद लें। और जो मन में होता है कि ज़िंदगी में एक बार हम कैलाश पर बैठे शंकर के दर्शन कर सकें, वो आप करके आएँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय जय शंकर, हर हर शंकर। NMF News की रिपोर्ट।